मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्रिसमस के महीने में 2018 दिसंबर के महीने आप लोगों को इस सीडी के जरिए मैं आकर मिल रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं दोस्तों, आप लोग इस घर के अंदर आकर हमारे इस प्यारे कलीसिया के परिवार में जुड़कर ये मसीह का दिवस क्रिसमस को मनाने के लिए आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। ये क्रिसमस क्या है? लूका अध्याय 1:33 में ऐसे बताई गई है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। पवित्र व्यवस्था में ऐसे बताई गई है। देखिए, इस संसार में ये जो प्रसिद्ध व थोड़े दिन के लिए ही है, जो कल के प्रसिद्ध थे वे आज गायब हो गए हैं। इस संसार में जो अच्छे कार्य हैं, बुरे कार्य और आनंद का जो समय था और दुख का समय, ये सब हमारे जीवन को छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि कुछ भी इस संसार में सदा समय के लिए नहीं है। लेकिन पवित्र व्यवस्था में बताई गई है, जब ये बच्चा पैदा होगा तब इनका जो राज्य है वह बहुत ही स्थिर होगा, जिसे हम पवित्र व्यवस्था में पढ़ सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कोई पूर्वजों का कहानी भी नहीं है, ये वाणियां सच है। परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए दूत भेजकर उन्होंने कहा है। ये वचन एक दूत के द्वारा बताया गया है, एक कन्या जो मरियम थी उसके लिए बताई गई है। यह एक बालक के बारे में बताया गया है। एक दिन आएगा तब वह इस जगत का प्रभुता करेगा। मरियम के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वह बहुत महान होगा, बहुत महान होगा, और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। देखिए, जब हम क्रिसमस कहते हैं तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये जो क्रिसमस है ये मसीह लोगों के लिए आनंद का दिवस है, क्योंकि वे दारू पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे जीना ही क्रिसमस है। ये बहुतों का सोच विचार है। एक देश के लोग वे ऐसे पूछे कि ये क्रिसमस क्या है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्रिसमस क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु मसीह पशुओं के आश्रम के सामने जो वे पैदा हुए थे, उसी दिवस को क्रिसमस कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? पशुओं के आश्रम में वे क्यों पैदा हुए? क्योंकि सभी लोग एक ईश्वर के खोज में जा रहे हैं, खुश रहने के लिए और उनकी आंसू मिटने के लिए, मन के अंदर रहने वाले दुख बदल जाने के लिए। इस संसार के सभी लोग एक ईश्वर को खोज कर जा रहे हैं, परंतु यीशु हम ढूंढ कर जानने वाले प्रभु नहीं हैं। वह प्रभु है जो हमें ढूंढ कर हमारे पास आया है। वह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वह इस जगत में आकर हमारे लिए, वह इस पशु के आश्रम में पैदा हुए। और इस आश्रम में वे क्यों पैदा हुए? एक राजा एक बहुत बड़े महल में उनका जन्म होना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पशुओं के आश्रम में आकर क्यों पैदा हुए? क्योंकि जो लोग दबे हुए हैं, जो कंगाल हैं, जो अपने जीवन में रोते हैं और ये कहते हैं कि हाय, मेरे लिए मेरे जीवन में कोई नहीं है, किसी भी तरह के झुंड के लोगों को वे अपने साथ गले लगाने के लिए ही वे उस पशु के आश्रम में आकर जन्म हुए। पवित्र व्यवस्था में बताई गई है, उन्हें ढूंढ कर चरवा आए थे। चरवा लोग बहुत ही कंगाल लोग हैं। वे यीशु को खोज कर
उनका प्रणाम करके वे आनंद के साथ लौट गए और वैसे ही ज्योतिषों भी ढूंढ कर आए। ये ज्योतिष कौन है? वे बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे और धनवान लोग हैं। तो जरा सोच कर देखिए, गरीब और कंगालों के लिए भी यीशु और महान धनवानों के लिए भी यीशु। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में सभी लोगों के लिए आए हैं, इसलिए वे पशुओं के आश्रम में आकर जन्मे। ये बालक क्यों एक महत्वपूर्ण बालक के समान माना गया है? क्योंकि स्वर्गदूत मरियम को देखकर कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए जो तुझ से उत्पन्न होने वाला है वह बालक बहुत पवित्र है। वह इमानुएल परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु इमानुएल का अर्थ है हमारे साथ सदा समय के लिए रहने वाला प्रभु। इस समाचार को सुनने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों के जीवन में दुख परेशानियां हो सकती हैं। आप लोगों को कोई सहायता किए बिना दुखी के साथ आप लोग जी सकते हैं। एक कार्य को आप अपने मन में रख लीजिए। सभी कहते हैं कि तीन तरह के ज्योतिषे यीशु को ढूंढ कर गए, वे बहुत बुद्धिमान थे। ये चौथे ज्योतिष कौन है? वही ज्ञानी है जो सारे जगत को ज्ञान देने वाले हैं, प्रभु यीशु। जब हम क्रिसमस कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर एक एक को जानना है, उनका राज्य सदा समय के लिए स्थिर रहेगा। प्रिय लोगों, आज के दिन मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक जन चाहे जितना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, उनके मृत्यु हो जाने के बाद थोड़े दिन बीतते ही लोग उन्हें भूल जाते हैं। ये संसार भी ऐसे ही जाने वाला एक संसार है। देखिए, ये संसार जो बीती बातें हैं उसे भूल जाती है। अभी का जो समय है उसके अनुसार जीता है और भविष्य के बारे में ये संसार सपना देख रहा है। हम जो महत्वपूर्ण समझते हैं वह बातें क्या हैं, जरा बताइए। हमारे नाम के बाद में जो डिग्री आती है, मैं एक बीए, एक पीएचडी हूँ। हमने जो मकान बनाया है, लोग कहते हैं कि ये घर, ये मकान मैंने बनाया है। मेरे पैसे, मेरे धन दौलत और मेरी जो गाड़ी कार है, ये संस्था मैंने बनाया है। ये संस्था मेरे द्वारा ही है। मेरे चारों ओर जो रिश्तेदार हैं और जो वस्त्र मैं पहनता हूँ। हम अपने समाज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, परंतु सोच कर देखिए, एक दिन ये सभी गायब होकर चले जाएगा। जब हम एक दिन जाते हैं तो हमारे साथ आने वाला कौन है? एक गीत को एक गायक ऐसे गाए, घर तक पत्नी और रास्ते तक रिश्तेदार और शमशान घाट तक बच्चा, आखिरी तक कौन है? मैं आप लोगों से कहता हूँ, आखिरी तक सदा समय तक हमारे साथ रहने वाले ये चौथे ज्योतिष यीशु मसीह हैं। वे आप लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये संसार केवल थोड़े समय के लिए है। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हम लोगों के साथ जो आता है वह एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों का किताब अध्याय 12 वचन 28 में ऐसे बताई गई है। मेरे साथ मिलकर ये वचन आप लोग भी पढ़ें। इब्रानियों का किताब अध्याय 12 वचन 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम व्यक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का राज्य हिलने का नहीं है और उनका राज्य सदा समय तक स्थिर रहने वाला है, वह कभी नहीं हिलता। इस जगत में जो भी है वह सब एक दिन हिलेगा। जो बड़े बड़े मकान हैं वह भी हिलेंगे और नीचे गिर जाएंगे। संस्थाएं भी नीचे गिर कर टूट जाएंगी। हमारे पढ़ाई का महत्व कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा मकान सब नष्ट हो जाएगा। हमारे गाड़ी, कार और संपत्ति वह पूरी तरह पुराना हो जाएगा।
और अंत में हमारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा। चाहे हम जितने भी बड़े हों, जैसे ही उम्र बढ़ता जाता है, वे इस संसार को छोड़कर चले जाने वालों के समान रहते हैं। आप लोगों को देखकर मैं कहता हूँ, एक छोटा सा लड़का अपने पिता को देखकर उसने पूछा, हे मेरे पिता, आकाश में उड़ने वाले उस हवाई जहाज को देखिए, वह कितना छोटा है पापा, क्या उसके अंदर 200 लोग जा रहे हैं? ऐसे वह अपने पिता से पूछने लगा। तब उसके पिता बोले, हाँ मेरे बेटे, उसके अंदर 200 लोग हैं। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन वह जहाज बहुत छोटा है पापा। पिता इन बातों को अपने मन में रखे हुए एक दिन अपने बेटे को एयरपोर्ट में वे ले गए। उन्होंने परमिशन लिया और एक हवाई जहाज के पास अपने बेटे को वे ले गए। उनका बेटा उस जहाज को देखते ही वह अपने पिता को देखकर बोला, हे पापा, ये हवाई जहाज इतना बड़ा है। ऐसे वह बहुत आश्चर्य होकर अपने पापा से पूछने लगा। तब उसके पिता बोले, तुमने उस हवाई जहाज को देखा है जो बहुत दूर था, इसलिए वह छोटा दिखाई दिया, लेकिन वह जितना करीब आया है, देखो वह कितना बड़ा है। यही बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, जब आप लोग एक कदम परमेश्वर के करीब आते हैं, तब उस समय ये क्रिसमस के दिवस में आप लोग एक बहुत बड़े प्रभु ईश्वर यीशु मसीह को देखेंगे। वे सच्चे हैं और वे कभी बदलने वाले नहीं हैं। आप लोगों के पापों के लिए और मेरे पापों के लिए वे इस जगत में आए और बड़े हुए। वे एक छोटे से बालक यीशु के समान नहीं हैं। वे बड़े हुए और उन्होंने क्रूस को उठाया और क्रूस पर वे बलिदान हुए, वे मारे गए और उन्होंने लहू, अपना लहू हमारे लिए दिया है, और तीसरे दिन जिंदा जी उठने वाले प्रभु यीशु हैं। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, यही एक सच्चा क्रिसमस दिवस है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने मेरे द्वारा आप लोगों को दिए हैं। हम अपने आंखें बंद करके अभी प्रार्थना करेंगे। अभी थोड़े समय में आप लोगों के घर में एक अभिषेक का तेल दिया जाएगा और एक सीडी आपको मिलेगा। उस सीडी में हमारे कलीसिया में जो हुआ है, अद्भुत और चमकदार कार्य है, आप अपने घर में जाकर देखिए। हमारे कलीसिया में क्रिसमस दिवस का आराधना है, आइए। दिसंबर 24 तारीख को रात 10 बजे हमारे लिए अंग्रेजी का आराधना है उस समय। उसके बाद सवेरे 6 बजे तमिल और कन्नड़ा भाषा में आराधना होगी। दिसंबर 25 तारीख 2018 सुबह 7 बजे और 8:30 पर और एक तमिल आराधना है, और उसके बाद 10:30 और 12:30 में और एक अंग्रेजी आराधना है। आइए और शामिल हो जाइए, और आपके घर में जो है उनको देखकर बोलिए, हम भी उस आराधना में आना चाहते हैं, और ये लोग आपको ले जाएंगे और इस घर को परमेश्वर आशीष करेंगे। हमारे कलीसिया के सदस्य, हमारे कलीसिया के एक विश्वासी मेरे साथ मिलकर आप लोगों के लिए रोकर विनती करते हैं और आत्मा का भोज वे भी ले लेते हैं। एक ऐसे परिवार के बीच में आप आए हैं। परमेश्वर केवल आपको ही नहीं, घर के हर एक एक सदस्य को प्रभु आशीष करेंगे। प्रिय भाई और बहन, आपने अपना घर खोल कर दिया है और इस मीटिंग को आपने किया है, और जो उत्साहित के साथ जो मौका आपने दिया है, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर और ये सीढ़ी जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, उस स्थान को भी परमेश्वर आशीष करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की करुणा को भूलना नहीं। मसीह का दिवस क्रिसमस क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह बेतलेम के जगह में वे पैदा हुए हैं, एक बालक के समान, लेकिन वे बालक ही नहीं थे, वे बड़े हुए और उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया है और तीसरे दिन जी उठे हैं, और हम लोगों के लिए अनंत जीवन देने के लिए वे जन्मे हैं। यही एक सच्चा क्रिसमस है। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, चाहे किसी तरह का बीमारी या कमजोरियां हों,
इस अभिषेक का तेल आप उसके ऊपर लगाइए। संतान नहीं है, नहीं तो कैंसर की बीमारी है। जीवन में परेशानियां, तूफान और कार्यालय में प्रमोशन नहीं है क्या? अपने लिए घर नहीं है और कष्ट में जी रहे हो? इस तेल को अपने सिर में लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु मुझे अभिषेक करो। आप अपने हाथ से मुझे छुओ, ऐसे बोलिए। प्रभु आपको छुएंगे और आप लोगों को बदल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। भूलना नहीं, दिसंबर 31 तारीख रात के 10 बजे पैलेस ग्राउंड में, तिरुपुना वासनी के उस द्वार में, एक बहुत बड़े मैदान में हमने एक शेड बुक किया है। दिसंबर 31 तारीख रात को आ जाइए। आप अपने परिवार के साथ आइए। हम नए साल परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे। परमेश्वर ये 2019 साल आप लोगों के लिए एक अद्भुत का साल बनाएंगे और आपको आशीष करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, इस बहुत बढ़िया समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे प्रभु, आप अपने बच्चों को आशीष करो। मैं आपके हाथों पर इन्हें सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह उतर कर आ जाए। हे मेरे प्रभु, आप अपने बच्चों को संभालिए और अगुवाई कीजिए। इस घर में एक साथ मिलकर आपके वचन को सुनने का जो अनुग्रह आपने दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस जगह में रहने वाले हर एक एक को आप आशीष कीजिए प्रभु। जब ये इस तेल को अपने ऊपर लगाते हैं, इनके घर के अंदर अद्भुत कार्य हो जाए राजा। इनके घर के अंदर चमकदार हो जाए प्रभु। इनके जीवन में आंसू नहीं चाहिए, कोई एक के लिए भी तूफान नहीं चाहिए, किसी एक के जीवन में भी बीमार नहीं चाहिए। प्रभु राजा, हर एक एक को आशीष करो। मैं आपके हाथों पर सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमेन और आमेन। कभी मत भूलो, हमारे 24 घंटे का हमसे संपर्क करने का एक अवसर है। फोन नंबर यही है 1800-200-4411। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है। मैं ही उस ईमेल आईडी को पढ़ता हूं और कोई नहीं। वह ईमेल मैं ही पढ़ता हूं। tigerforjesus@hotmail.com। आप अपनी समस्याओं को लिखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके लिए हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।